22 मई शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन पर आयोजित आम सभा में नगर निगम दुर्ग के सफाई कर्मियों को छुट्टी लेकर परिवार सहित कार्यक्रम में पहुंचने के शहर विधायक व महापौर के निर्देश की कड़ी निंदा करते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने कहा कि कोई भी जन नेता कहीं आम सभा करने जाता है तो भीड़ एकत्र करने की स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी होती है, मगर दुर्ग में तो निगम के सफाई कर्मियों को छुट्टी देकर परिवार सहित आम सभा में आने को कहा गया, जिसके कारण शुक्रवार को शहर में सफाई व्यवस्था ठप रही। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए लोकार्पण व नई घोषणाओं पर केएस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। जब कोई जनप्रतिनिधि आता है तो लोकल नेता लोग बहुत भीड़ बढ़ाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। यहाँ पर तो हद हो गई है। हमारे महापौर और विधायक ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को इस चीज के लिए लगा दिया है। उनको 11 बजे के आसपास बोल दिया गया कि आप छुट्टी ले लीजिएगा, लेकिन वहां पर अपने खुद को और अपने परिवार को वहां पर लेके आना है, भीड़ बढ़ाना है। आखिर जो हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे वो जनता के लिए आ रहे थे, जनता की सुविधाओं के लिए आ रहे थे, जनता की असुविधा के लिए नहीं आ रहे थे। यहाँ पर तो जनता को ताक में रखते हुए आपने वहां सफाई कर्मचारियों को वहां पर बुलाने के लिए कल सफाई नहीं करवाई। कई कई लोग तो आए नहीं थे कल। दूसरी बात, जो आपने अमृत मिशन का जो पानी टंकी का लोकार्पण किया और महिला का जो हॉस्टल है उसको लोकार्पण किया, वो बीजेपी से प्रस्तावित था, बीजेपी का प्रोजेक्ट था। वो फंड जो आया था बीजेपी ने प्रस्तावित किया था और वहां से फंड आ रहा था। दूसरी बात, तीसरी बात कि आपने जो अभी नई घोषणाएं की है वो सिर्फ घोषणा ना रह जाए, उस पर तत्कालिक काम हो, नहीं तो फिर हमारे विधायक जी जाते हैं और दिखाने के लिए बोलते हैं मैंने डाटा, मैंने फटकार लगाई कि अभी तक काम क्यों नहीं चालू हो रहा है। तो ऐसा ना हो, हम अनुरोध करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधायक से, कि जो प्रस्ताव जो काम प्रस्तावित किए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, उसका काम जल्दी से जल्द हो और भीड़ बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए जनता को असुविधा में मत डालें, नगर निगम के अमले का दुरुपयोग ना करें।